अस्सलाम वालेकुम वीकेंड विद फायज़ा के ईद मिलादुलनबी स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा बुखारी व्यूअर्स सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से कैपिटल टीवी वी की तालम से ईद मिलादबी सल वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन बारा रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन आप सल्लल्लाहु आपली वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी आमद के साथ ये पूरी दुनिया आपके नूर से रोशन हो गई इसीलिए आज के ख़ास दिन के हवाले से हमने आपकी मुलाकात का एहतमाम एक खास मेहमान के साथ किया है हमारे आज के मेहमान का शुमार पाकिस्तान के मशहूर और मशहूरों में होता है कुरान है किरत में कर चुके हैं, बेशुमार नाते पर चुके हैं और बेशुमारी हाँ आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाफिज मरकूब अहमद हमदानी साहब से आ, सर, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया आपने आज खास दिन, जिस दिन हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपका भी आपका भी शुक्रिया कैपिटल टीवी का और आपका भी शुक्रिया कि आपने आज मौका दिया मुझे हाजरी के लिए तो बहुत शुक्रिया सर नहीं आपका शुक्रिया जज़ाक अल्लाह अच्छा सर क्योंकि आप माशाल्लाह से करत में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं हाफ कुरान है तो क्यों ना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करें ठीक है तो बहुत अच्छी बात है अल्लाह ताल के कलाम से आगाज़ हो तो जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء سلام. ربكما تكذبان وله الجبال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله، جزاك الله خير. बहुत खूबसूरत तलावत अच्छा सर अब मुझे यह बताएं सबसे पहले तो अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताएं थोड़ा सा बहुत अपने बचपन के बारे में बताएं और यह बताएं कि नात ख़ानी आपका मिलान कैसे हुआ तो आप किन किन शख्सियात मुतासर थे बिस्मिल सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे वाले साहब ने मुझे जैसे आपने बताया ना जी सर हाफजा कुरान वाले साहब ने बनाया था माशाला तो उनकी दुआओं से उनकी तरबियत से अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि पचपन साल नमाज तरावी पढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल सही है ये भी मैं समझती रिकॉर्ड ही है तो वो बिल्कुल मैं कहता हूँ बड़े अवार्ड मिले हैं ना अवार्ड भी मिला और भी अवार्ड मिले हैं लेकिन वो सारे अवार्ड फिर रह जाने हैं ये पचपन साल का अल्लाह जाना तोहफा था कि अल्लाह ताला ने तमाम ये हमारी बख्शिश का बास बनेगा और इसके बस पहले आप जो कुरान बना उसके बाद फिर नात शुरू की वाल साहब भी नात खान थे अच्छा। वो नाथ पढ़ते भी थे बड़े आजी आज और इनके सारी के साथ फिर उनको महफिले से जाने का भी शौक था पुराना घर शहर में था हमारा दवाखाना भी वहां पे वाले साहब का बैठता दवाखाने पे अच्छा सर, अभी भी आप जाते हैं। हाँ जी गुमटी गुमटी बाजार से कामटी बजार कराता तो वहाँ पे उसके सामने छोटी सी मस्जिद थी तो वाले साहब ने वहीं से मैंने कुरान पाक शुरू कराया था उस मस्जिद में माहाना ग्यारहवीं शरीफ पाक थे मस्जिद में छोटी अच्छा, मस्जिद में। में। खास खास लोग आ जाते थे महल के और उस तरह बिल्कुल फिर घर में भी सजाते थे महफिले अच्छे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े खानों को बुलाना बड़ा उन्होंने उनको शौक था वाले साहब का हाँ। तो फिर उन्हें अल्लाह ताला ने वाले साहब को यह भी शौक दिया उनको एक तंजीम का लाहौर में सदर बनाया गया अच्छा तंजीम तंजीमजन अंदरी बने रियाज रसूल का अच्छा तो उसमें उनको फिर वाले साहब ने मस्जिद महफिल आगाज किया सन अस्सी बयासी के दौर की बात होगी सही तो उस वक़्त अभी महफिलों का ऐसा जोबन नहीं ना था जैसे अब महफिलें होती हैं जी तो वाले साहब वहाँ हर साल महफिल कुल पाकिस्तान महफिल कराते थे वाह

तो फिर छोटी उम्र में कुरने पा के साथ साथ अल्लाह ने फिर नात का शौक़ पैदा कर दिया नात के शौक़ के साथ फिर वो उनकी बाले साहब की तरबियत उनकी दुआएँ उसी की बरकतों से फिर अल्लाह ताला ने तात में यह इज़्ज़त मकाम है जो कुछ अता किया माशाल्लाह तो सर कौन कौन से शख्सियात से आप मुतासे थे वो सबसे बड़ी शख्सियात हमारे सरों के ताज अल्ल तरक रहा नाज़र फरमाए बाले साहब का उनके दोस्ताना था सबसे बड़े आजम फिर उनके उसी दौर में और भी बहुत बड़ी शख्सियत लाहौर शिफ्ट हो गए अच्छा, कलाम बड़े मशहूर उनके मीनार नजर उन्हीं का कलाम है ना ये उनका लेकिन सर अब तो हमें तो आपके हवाले से याद है माशा जो अब्दुल के उनका वो भी उसी वक्त मशहूर थे इन लोगों को हम सुनते थे नदी साहब थे, थे इस तरह की शख्सियात थी अच्छा। इनकी जेल में पढ़ने का मौका मिलता था हाँ, गलती भी भी हो होती थी होती। तो ये हमारी सलाह करते थे बुजुर्ग अजम चीथी साहब रही का एक जुमला में आपको बताऊँ उनसे किसी ने सवाल किया कि ये नाद जो पढ़ने में लगा बंदा ये कैसा है उन्होंने कहा कुछ सरीले होते हैं कुछ रसीले होते हैं जबरदस्त सिंगरों, सिंगरों में भी ऐसी बात ही है बिल्कुल। कुछ, कुछ, कुछ सिंगर, सिंगर बड़े है, भी हैं बिल्कुल कमाल का जुमला बोला बिल्कुल जबरदस्त अच्छा तो सर आपने कहा की जैसे आप लोगों की कहीं पर कोई गलती होती थी तो इस्लाह कर देते थे तो सर जब आपने बिल्कुल बच्चे होंगे और जब स्टार्ट किया होगा नाथ गोई की तरफ आए होंगे तो यकीन गलतियाँ तो इंसान से हाँ होती हैं।, हैं।, हैं तो सर कोई ऐसी गलती कोई ऐसी चीज़ याद है कोई किस्सा जो वाक्य अभी भी याद हो आपके आपके वाले साहब ने या किसी उस्ताद ने आपके इसलाह की हो नहीं ऐसी गलती कोई हुई नहीं होती तो फिर आपसी नहीं हुई माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छा सर किरत में आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया बहुत छोटी उम्र की बात है छोटे से थे हमारे दोस्त वो याद कर आते हैं उनको याद है मुझे नहीं सन याद है कौन सा सन याद है अच्छा उनको याद है सन वो कहते हैं उन्नीस सौ साठ की बात है और वो खुद उन्होंने कजाफी स्टेडियम में एक प्रोग्राम हो रहा था नेशनल लेवल का वाकी वजी नूर साहब आए हुए थे वहाँ से ये दो तीन साल पहले की बात है जी जी सर बहुत बड़ा किराद और नात का दोनों प्रोग्राम थे जब मेरे नात के लिए मेरी अनाउंसमेंट हुई तो साहब ने उठ के बताया कि जी इनको फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे सेकंड प्राइज मिला था दोस्त है याद कराई क्योंकि सर उन्नीस सौ साठ बहुत पहले की बात है तो आपको तो बच्चे आपको याद भी नहीं होगा लेकिन अल्लाह का शुक्र पाँच छः कार्य जज बने हुए थे

तो मैं कहता हूँ कि अदब पहला करीना है इबादत के करीनों में वाह 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 और ज़्यादा इबादत अच्छी हो जाती है जितनी अदब से इबादत की जाए सुभान ल्ला। सुभान ल्ला। तो इसमें अदब एहतराम ये बड़ा ज़रूरी है और फिर इसमें तलफ़ की अदायगी भी बड़ी जरूरी अच्छी है, है। कि तलफ़ अदा करते हुए उसको तोड़ना नहीं चाहिए उसके माने ज़रा चेंज हो जाते हैं जेल जबर में भी माने चेंज हो जाते हैं बिल्कुल तो सर आप नहीं समझते मतलब मैं अपने नॉलेज के लिए और देखने वालों के लिए पूछना चाहूँ जा। कि आवाज़ भी इम्पोर्टेंट होती है hmm. आवाज़ का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है नात के लिए आवाज़ ना भी अच्छी हो तो अल्लाह ताला की तरफ से रहत बरकतें हो जाती है आवाज़ अल्लाह ताला अच्छी कर देता अरे है अरे वाह मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ जिनकी शुरू में हमने सुनते थे हम कहते थे आवाज़ अच्छी नहीं लेकिन ऐसा ऐसा वो पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला की तरफ से रमते बरकतें होती हैं आवाज़ें अच्छी हो जाती हैं हाँ तो सर उनमें जिनको कभी आप दोस्त या आपके शागिर जिनको मतलब नहीं, नहीं जा सकते हैं माशाला सारे अच्छे हैं लेकिन ये नहीं सोचा कि ये नहीं जा सकते आहा। मैं ये नहीं सोचा नहीं जा सकते बस यही सोचा कि ये अभी ये शुरू किया कभी तो थोड़ी मतलब कमी है ये सोचे लेकिन थोड़ी सी कमी है अभी आवाज़ में कमी है या तलफ में कमी है तलफुज की बात हो रही थी ना जी सर तो वो तलफुज में देखें ना एक होता है एक शफा होता है मानी बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल तो वो उसमें पढ़ते पढ़ते अगर शफात होती है बीमारी से शफा होती, होती है बिल्कुल और शफात का वो शफा होती है शफा बिल्कुल इसको देर जबर में अगर कमी बसी करेंगे तो माने चेंज हो जाएंगे हाँ हाँ शफात की बजाय वो शफा वाली हो जाएगी दुआ आ जाएगी इसलिए मैं कह रहा था तल्फ में अदायगी लफ्ज़ तोड़ना नहीं चाहिए और देर में फ़र्क नहीं करना चाहिए बिल्कुल अच्छा सर अक्सर होता ना कि जैसे हम बहुत सारे बाकी प्रोफेशंस को देखते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि जी जालसी बहुत होती है हसद बहुत होता है और आपको आगे बढ़ने के मौाक़े नहीं मिलते हैं हर कोई चाहता है कि भाई आपको शायद पीछे करके ढा के आगे चला जाए तो सर नात खुआ में भी ये होता है आप लोगों किस में भी होता है बड़ी बड़ी है अच्छा सर। हाँ जी हाँ बड़े लोग बड़ी, <laughs> ये बड़ी अपने नहीं मैं बात कर रहा वैसे एक इजमाही बात कर रहा हूँ हाँ बड़ी उनमें कुछ कुछ लोगों में तकबर है कुछ लोगों में ऐसी है ज़रा हाँ। कि हम आगे निकलें दूसरे पीछे रह जाएं सर बिल्कुल और आज जैसे तकबर के आपने बात की सर मतलब इतना प्रोटोकॉल कुछ लोग तो डिमांड करते हैं आपसे तो माशाल्लाह जिस तरह से आज मेरी पहली मुलाकात हो रही है लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा आज़ो इनकसार हैं लेकिन बाकी लोगों को हम देखते हैं तो एक लाहौल लश्कर उनके इर्द गिर्द होता है और टाइमिंग चीज़ों को भी उन्होंने बड़ा फॉलो किया होता है अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वो महफिल छोड़ के जाने को तैयार हो जाते हैं इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानियाँ मैंने सुने हैं मतलब जिससे पहले मतलब हमारा परसेप्शन ये था कि जी वो बड़े कमाल के हैं अच्छा सर ये बताएँ कि, कि कई बरस गुजर गए हैं हमें आपको देखते हुए तो माशा अल्लाह ताली सर आपको लंबी ज़िंदगी देते सलामती के साथ तो सर ये कितने बरस की जर्नी है आपकी कितने बरस हो गया आपको पढ़ते हुए

नहीं दोनों तरह की करते हैं पहले तो पुराने ही बुजुर्गों की होती थी अब लेकिन अब मौजूदा दौर में थोड़ी सी जदीद भी देखनी पड़ती है हालात के मुताबिक माहौल के मुताबिक अच्छा तो सर किन के कलाम से ज़्यादा मुतासर हैं आप नहीं सबसे पहले तो मौलाना अहमद रजा खान साहब रहा है बहुत बड़ी शख्सियत उन्होंने सिर्फ नाते नहीं लिखी उन्होंने किताबें लिखी बड़ी बहुत बड़ी मशहूर ज्यादा उनके नातों का है ना लेकिन लोग उनको जानते हैं उन्होंने बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं अच्छा। वो हैं उनके कला को प्रेफर करते हैं इकबाल का कलाम भी पसंद किया जाता है सही। फिर उनके बाद मुजफ्फर वारसी साहब हैं आजम चीशी साहब का कलाम अब्दुलस्तान नियाजी साहब बड़ी बड़ी शख्सियात के कलाम हैं हफीज़ साइफ़ साहब रही बड़ी अब्दुलस्तान नियाजी साहब ये दोहरी साहब रहमत आजम साहब मोहम्मद अली जहूरी कसूरी और अब्दुलस्तान नियाजी साहब इन्होंने ज़रा आसान कलाम लिखे थे अच्छा। तल्फुज में आसान

कि ताकि उनको भी बात बसानी समझ आ जाए कि पढ़ क्या रहे हैं ज़बरदस्त अच्छा सर ये बताएं कि आपने क्योंकि जैसे रेडियो का भी जिक्र किया तो बाज़ात नात में एक मज़मून चल रहा होता है और टी वी या रेडियो की तो एक टाइम ड्यूरेशन होती है तो अक्सर उसमें से कोई ना कोई जो शेर होता है अगर उसको आप हटा दें उसको काट दें तो उससे जो सिलसिला होता है तकरीबन वो टूट जाता है इसके बारे में क्या कहेंगे नहीं कोई शेर ऐसा तो नहीं होता रेडियो टी वी पर तो बड़ा अच्छा सिस्टम होता था कि वो कलाम कोई अपने पास से देते थे और एक कोई और प्रोड्यूसर या, या कोई ऐसी शख्सियत होती थी जिनके पास कहते थे कलाम उनके पास लेके कर अच्छा वहाँ से उनके उनको सुना के सारा दिखा के देर जबर लगाएँ अच्छा देर ज़बर लगा के सारा कुछ उनसे इसका करके फिर आपकी रिकॉर्डिंग होगी रेडियो टी वी बेस्ट ये सिस्टम था इसमें कोई कमी बेशी का कोई चांस नहीं होता था हाँ तो सर अभी भी मतलब रेडियो टीवी के लिए आप जाके पढ़ते हैं हाँ जी मैं रेडियो पे कम ही जाता हूँ लेकिन किसी न किसी से सिफारिश करा के बुला लेती हूँ <laughs> नहीं सर आप मतलब लोगों को सिफारिश करवा के बुलाने पड़ता होगा बिल्कुल तो सर मिस करते हैं वो टाइम क्योंकि पहले तो इस तरह से जैसे आपने कहा था आगाज़ में के, इस तरह से महफिलों का इनका नहीं होता था तो सर रेडियो पे तो आप लोग हाँ जी बायदगी से कोई कोई चैनल भी नहीं था पीटीवी भी नहीं था हाँ जी PTV, रेडियो ही रेडियो था पीटीवी वालों ने रेडियो पाकिस्तान के अंदर अपना स्टूडियो बना के शुरू किया था बिल्कुल, बिल्कुल सर वो, वो एक ही था बिल्कुल हाँ जी अंदर नहीं। नहीं। उनके जहाँ पार, पार्किंग होती है वहाँ मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे इनका स्टूडियो था पीटीवी वालों का वहाँ पे इन्होंने आगाज किया था फिर बिल्डिंग बाद में तमीर हुई तो फिर ये पीटीवी वाले उधर आए अच्छा अच्छा तो 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 यही था था में में जाना होता और कहां जाते अच्छा सर अब तो अब जिस तरह से माशाल्लाह पहले तो होता था ना कि मसाजिद या बड़ी बड़ी महफिलों का निकाह अब तो माशाल्लाह हम देखते हैं कि हर कोई ही अपने घर पे भी मिलाद का हाँ, जिसकी हाँ, जिसकी हाँ, इस्तात है, है, है उसके मुताबिक हाँ सर चैनल हाँ हो तो सर माशाल्लाह आप लोगों का तो ये सारा महीना बहुत ज़्यादा मशरूफ जाता नहीं। नहीं भी सुबह सुबह भी एक चैनल से होके आया हूँ अच्छा सर जितने बिजी आप यहाँ पर पाकिस्तान में हैं सर इसी तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं शाकिर रसूल सर वो लोग भी बाहर मिलाद करवाते हैं महाफिल करवाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको इनविटेशंस आते होंगे तो इस सिलसिले में बाहर भी आना जाना लगा रहता है बाहर ज्यादा मिडिल ईस्ट में ही जाना हुआ अच्छा अमेरिका के से दो दफा काल आई थी लेकिन वो वीजा नहीं लग सका उनको इंटरव्यू में कुछ समझ नहीं आई ना उनको इंटरव्यू वालों को अच्छा तो एक दफा कनाडा का वीजा लगा था वीजा अच्छा। लग गया था जी जो कारी साहब पुराने फौत हो गए हुए हैं उनका और मेरा दोनों की कॉल थी वीजा लग गया था लेकिन पाक नहीं सुनाते थे वो हफ्ते कुरान नहीं थे कारी कुरान थे बड़े दीम, बहुत आला अच्छा वो मुझे कह रहे थे कि रमज़ान शरीफ में आपको कनाडा जाना है वीजा लग गया था आहा। लेकिन वो रमजान शरीफ में कहते आपको रमजान शरीफ में आपने आना है अच्छा मैंने कहा जी मैंने कुरने पाक का नागा नहीं करना वाले साहब ने मना किया था अगर हाँ, नागा हाँ, हुआ तो कहीं हाँ। तो तो और फिर नागे ना बढ़ जाएँ अच्छा सर बहुत सारे हमारे जो नात ना ख़्वाजात हैं मतलब तो उनको हम सोशल मीडिया पे भी उनके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं मोस्टली वो लोग तो सर रहते ही अमेरिका कनाडा या इंग्लैंड वगैरह पे हैं मतलब तो उनके फ्रीक्वेंट विजिट भी हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा दौरे भी वो लोग कर रहे होते हैं या शायद उन लोगों की फैमिलीज़ भी हैं तो वो ज़्यादातर उधर ही उधर ही महाफिल जो हो रही होती हैं उसमें शिरकत करें अब उतने नहीं जाते उधर कम हो गई लाहौर में इतनी महफिल होने लग गई पंजाब में इतनी होने लग गई उधर जाने कम हो गए अच्छा <laughs> अच्छा चलें ये भी ठीक है अच्छा सर आ, ये बताएं कि ये तो माशाल्लाह से कराम पाक भी आप पढ़ते हैं सुनाते हैं नाते भी सुनाते हैं लेकिन सर क्या क्योंकि खाना जो होता है पकाना होता है जो एक रोज़गार का जो सिलसिला होता है वो तो हर एक के साथ होता है सर उसके लिए आपने किस प्रोफेशन को अपनाया क्या मतलब आपका सर मतलब आ, कोई कारोबार वाला करते हैं करवार। तो बताया ना दवाखाना मैंने 77 अच्छा।, में पास की है। अच्छा वो उधर आप डेली जाते हैं टिबिया कॉलेज लाहौर से हिमायत इस्लाम उधर है चौकी टीम खाना में हिमायत इस्लाम वालों के पीछे टिबिया कॉलेज है सेवनटी सेवन में चार साल पढ़ के तो फिर डिग्री हासिल की थी अच्छा वाले साहब ने फिर अपने साथ वाले साहब दिन में बैठते थे शाम को मैं बैठता था दवाखाना में ठीक में वाले साहब फौत हो गए लेकिन उनके जाने के बाद भी दवाखाना अल्लाह का शुक्र चल रहा है तो फिर मेरी ड्यूटी वहाँ चल रही है अभी तक माशाल्लाह वो हमारा ये हमारा पेशा नहीं है हमारा पेशा वो पेशा आपका वो है इबादत इसको इबादत समझ के हम पढ़ते हैं बिल्कुल सर ज़बरदस्त अच्छा सर यहाँ पे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि बारह रबी अव्वल है तो बारह रबी अव्वल की मुनासबत से आपको एक कलाम सर ये बस वो बड़ा पुराना और मशहूर कलाम सब लोग कहते हैं हम बचपन में ये आपको सुनते थे और देखते थे जी सर जरूर मैं आगाज करता हूँ बाकी कलाम बाद में पेश कर जरूर जरूर सर वेलकम बैक आप देख रहे हैं वीकेंड विद विध फायज़ा बुखारी हमारे आज के मेहमान है हाफिज मरकूब अहमद हमदानी साहब ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बहुत ही प्यारा मनमोहना कलाम हमें सुनाया सर वाकई ये बात है कि हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन इसकी जो तर ताजगी हमेशा सलामत हमेशा ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी इन सही बात सदा बहार है सदा बहार है बहुत ही प्यारा कलाम और आपकी इतनी प्यारी मीठी आवाज़ बहुत शुक्रिया सर जजाकला अच्छा सर ये बताएँ कि हम देखते हैं आजकल कल अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड भी है कि जो कुछ नात ख़्वा हजरा जो हैं वो म्यूज़िक के साथ या दफ वगैरह के साथ नात खानी करते हैं सर इसको आप किस तरह से देखते हैं क्या ये चीज़ ठीक है ये ये सवाल हमारे लिए नहीं है और माँ के लिए होना चाहिए वो हमारे दोस्त है मैं दोस्त हैं सर आप उनकी नाराज़गी की फिक्र कर रहे हैं

कि जिस जिसका ईमान है वो मेरे साथ हाथ उठाए अच्छा। सामने वालों ने हाथ उठा लिए स्टेज पे किसी ने उठाए स्टेज पे किसी ने हाथ नहीं उठाया मैं कहा यार मेरे साथ दोस्त को बैठे हुए थे स्टेज पे मैंने कहा वो सारे बेईमान हो गए ये ऊपर वाले बेईमान हो गए सारे किसी ने उठाया नहीं हाथ हाँ। हाँ। बिल्कुल सर बत, वो जिनको हाथ उठाने का नहीं उठाए उठाया आप बात कर रही है ना जैसे छोटे उम्र वाले या नौजवान तो हाथ उठाए हैं कुछ दिमाग डालते हैं बड़ी उम्र वाले दाढ़ियों वाले भी तो डाल रहे होते हैं सर देख के बहुत अफसोस होता है मुझे पर्सनली तो होता है मतलब और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत भी दे मतलब आप इतनी सारी तर्ज़ें हैं आप किसी को अपना लें लेकिन ये क्या बात है कि आपने ऊपर से सर वो मशहूर मशहूर गानों की जो तर्ज़ें होती हैं उनको अपनाया होता है बहुत ही वाक पड़ता है देखने वाले भी मतलब क्या सोचते होंगे अच्छा सर क्योंकि बारह रबी अव्वल है तो सर मैं चाहूँगी कि इसकी फजीलत के हवाले से कुछ बताएं फजीलत तो इसकी बड़ी आला है जी इसलिए आला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला कोई नबी नहीं है बेशक एक लाख चौबीस हजार में से अल्लाह ताला को सबसे प्यारे कौन है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक रहमतुल्लाह आलमीन तो आपकी पैदाइश जब हुई तो एक अलामा साहब से मैंने सुना था कि आपकी पैदाइश पर आपकी वालदा साहबा की तरफ से कोई बदबू वाला कुछ नहीं हुआ बल्कि खुशबूएं घर में फैल गईं और घर में भी नूर हो गया और बड़ी आसमान तक रोशनियां चली गई बेश और जैसे बच्चों के खतने वगैरह और दूसरी रस्में होती हैं वो भी नहीं करवानी पड़ी उस बगैर उसके अल्लाह ताला ने उनको भेजा सब साफ अल्लाह तला ने भेजा फिर उनके बारे में ये भी सुना हैमाय कराम से कि आप सजदे में चले गए और अब हबली उम्मत ही कहते हुए आप, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ की बच सुन सुबह अच्छा सर सीरत नबी सल्हलम पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें सीरत नबी सल वल्लम तो देखें कि आप हमारे लिए जो जो भी आप तो अल्लाह ताली ने बड़ा आपको पाक साफ पैदा किया था ना कि हज़रत आयशा से दी कर दील्ला तला या बीबी फातिमा ने आपसे सवाल किया था ना कि आप इतनी इबादत क्यों करते हैं हम्म उन्होंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं उन्होंने कहा आप तो पाक साहब हैं तो आप दिन रात इबादतों में लगे रहते हैं रो रो के आप दुआएं करते हैं बिल्कुल तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं तो उसने ऐसी मुझे बनाया है उसमें तो मैश ली है फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की इबादतें भी जो की वो तो पाक साहब थे ना तो फिर उन्होंने हमें तोहफे दिए कुरने पाक का तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा रमज़ान का तोह ये ईमान हमें जो मिला ईमान मिला उनके सदक़े कुरान मिला, मिला उनके सदके रमज़ान मिला उनके सदक़े रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं तो आपने हमें ये सबक दिया हमारी बुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर बनाने के लिए और असल ज़िंदगी जो है आगे आगे की आमद के बाद जो असल ज़िंदगी है वो असर जिंदगी वो है बिल्कुल काश तो सर, सर हम हाँ। लोग नमाजें पढ़ें नमाजें पढ़ें रोज़े रखें आपकी तलीमत पर अमल करें तो फिर हमारी बख्शि ये सारी इबादत इबादत जो हैं, ये हमारी बख्शिश का जरिया है बेशक और मक् मदीना की हाज़री के लिए भी हम सब ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी हाज़िरी हो जाए तो वो भी जो दोनों जगह है वो भी हमारी बख्शिश का बासी है बेशक बेशक आप सल व फ़रमाया कि मंदारा कबरी वज लहू शफात जिसने मेरे कबर की हम रौजा शरीफ कहते हैं उनको जिसने मेरीबर की ज्यारत की मेरी शफात वाजिब हो गई बेशक बेश और Allah. फिर माँ बहिना बही थी वो मंबरी रौदा तुम तो मेरे जन्ना मेरे घर से मैंबर तक जो तो जगह ये जन्नत का बाग है बेशक बेशक और खाना काबा में भी कैसे हमें अल्लाह ताला ने बरकतें की तरकतें अता वहाँ उमरा करना उम्र करने के लिए वो क्या सारे काम है अल्लाह उस अल्लाह तो बेने याद है अल्लाह को तो कोई नहीं हमें ये हमारी बख्शिश के जरिए सारे बने हुए और बैतुल्ला शरीफ खाना काबा भी जो है वो भी देखेंगे वो हमारी बख्शिश का भी जरिए अल्लाह का घर है ना तो उसको बचाने लिए। ताला अब अब के लिए अल्लाह तला ने अबाबीलों के जरिए दुश्मनों को उड़ा दिया था पत्थरों के जरिए सूर्य फील जो कह करा, कहलाती है बेखो, बेखो, उसमें उनको पत्थरों के जरिए उड़ा दिया था अल्लाह तला ने अपने घर को ऐसे बचाया वो किसके लिए बचाया हमारे लिए बचाया कि ये उम्मत रसूल की उम्मत आएगी तो वो इधर उम्रा भी करेंगे हज भी करेंगे तवाफ़ भी करेंगे तो वहाँ यहाँ टी वी पर देखें तो बड़ा मज़ा आता है देख के तो वहाँ कैसा मज़ा आएगा वा। तवाफ़ तो करने का उम्र करने का सफ़ा मरवाजरत वाले वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया तो सर अच्छा जब क्योंकि आप सऊदी अरेबिया की हम बातें कर रहे हैं उधर की के जी उधर अगर हम पर्सनली हम हाजिरी दें तो हम लोगों की क्या हालत होगी क्या फीलिंग्स होगी सर जब आप फर्स्ट टाइम के लिए गए तो सर आपके क्या जज्बात थे फर्स्ट टाइम उम्र नहीं फर्स्ट टाइम तो हज करा दिया था अच्छा हज अकबर आ गया दौर था उन्होंने दस डॉक्टर और दस तबीब सेलेक्ट करवाए थे जो आ जाके वहाँ हाजियों की खिदमत करें अच्छा के जिसने एलोपैथिक इलाज कराना वो डॉक्टर साहब से करें बहुत सारे लोग वो पाकिस्तान हाउस होता था तो उसमें फिर लोगों को पता होता था कि वहाँ पे दवाई मिलेगी वहाँ इलाज होगा सही। तो लोग आ जाते थे अच्छा। तो दस तबीब थे कभी जिन्होंने देसी इलाज कराना था तिब नबी या तिब इस्लामी से तिब यूनानी से इलाज कराना तो हुकमार से दवाई ले लें तो डॉक्टरों से लेना उधर से ले लें तो एटी थ्री की बात है सेवन से पास की ना जी एटी थ्री की बात है कि कुरान दादी के, कुरा के जरिए दस की सिलेक्शन हुई और उसमें आप पांच सीनियर और पांच जूनियर हम जूनियर में थे तो कुरन दादी में, में मेरा भी नाम निकल आया किस्मत हो तो ऐसी हो हाँ। माशाल्लाह दो महीने का वहाँ के आम मिला में हाजियों की खिदमत करी जी अकबर अल्लाह ने ताकि फिर वही अब फिर आपको ये भी बता दें कि अल्लाह इनाम और सरकार का करम ऐसा हुआ एक दोस्त गुजरा वाला भी आया हमारे हाफिज भाई साहब उन्होंने तहज से पहले गुम्बद शरीफ के बाहर बैठ के तो हमसे नाते सुनी उस वक्त सारे दरवाजे बंद होते तो एक नंबर दरवाज़ा खुला होता है रात को अच्छा लेकिन उस वक्त सारे दरवाजे बंद होते थे तजत की अजान हुई तो कदम शरीफा जो कराते हैं बाबे जबरीला उधर वहाँ का दरवाजा खुला हम अंदर गए तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया सरकार के करम से उस वक्त दीवार नहीं थी छोटी सी चौकी होती थी जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं ना हाँ इस तरह की चौकी जालियों के साथ होती थी अच्छा तो वो फिर ऐसा कर्म हुआ कि कोई जो पहरेदार होते हैं या गार्ड होते हैं जी जी। उनको शुरता कहा जाता है जी सर बिल्कुल कोई शुरता नहीं था अल्लाह ताला ने, ने कदमैन शरीफन से जालियाँ जुमा दी फिर मजा ये भी था तीन चार दोस्त थे मैं इधर ही कदमैन शरीफ की तरफ आराम से जैसे होता ना एक ऐसे उंगली लगानी ऐसा नहीं पूरी तरह चिमट तो के से हाँ तो बड़ी पसंदी से तो, तो फिर पाक की पाकिमारी होती है उधर नहीं जा सकते अच्छा। यहाँ से वापस निकलना चाहिए जिसने अंदर जाना फिर वहीं से दरवाजे से वापस आना अच्छा, लेकिन उस वक्त लोग ऐसे जरा मजा लेते थे हा? तो दोस्त मेरा उधर से आया कहूँ उधर भी कोई नहीं है आपके चेरा मुबारक की तरफ भी छोटा कोई नहीं अल्लाह तला ने यह करम किया ना उस वक्त वक्तमैन शरीफ से भी जानिए चुमा दी कदम शरीफ से भी और चेहरा मुबारक मुआजा शरीफ जिसे कहा जाता है वहाँ से भी चुमा दी जानी एटी थ्री में ये खास करम है हाँ ये करम हुआ था फिर उस कलाम की समझ फिर आई थी हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा था जोरी साहब रही का कलाम फिर के बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए वाह वा, वा। वा, ये जालियाँ जब चुमा दी ना सरकार ने फिर मजा आ गया ना इस कलाम का सर मैं चाहूंगी कि आप ये कलाम इनायत करें सुना देते ठीक है इस दुआ के साथ के जितने भी कैपिटल टीवी देखने वाले लोग हैं अब सबको अल्लाह ताला मकान मीना फरमाएम आ गए हैं उठो सहारो चलो गम के मारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं आसार नज़र مندر हो बया कैसे इस वक्त वो आका दरबार नजरा बस याद रहा इतना आनी। फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजराए गो याद नहीं क्या क्या सरकार के पहलू में दो यार नजराए सरकार के पहलू दुआ यारो के सरकार के रौदे पर अल्लाह करे मेरा हर यार नजर आए अल्लाह करे मेरा हर हरिया नजरा छोड़ा मैं में दिलो जान मदीने में अब जीना यहाँ मुझको दुशवार नजराए जब मस्जिद नबवी के मीनार नजराए अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला सर माशा जवाकल्ला सर बहुत प्यारा कलाम और बहुत प्यारी अदायगी अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि जब आपने नात पढ़नी होती है तो मजमून को देख के इंतख करते हैं कलाम को या तर्स को देख के किन चीज़ों को मद्नजर रखते हैं नहीं कलाम पढ़ते हुए सोच समझ के पढ़ा जाता है तो भाई टॉपिक आपने तो ये पढ़ा लिया ना वरना आमद के हवाले से पढ़ने देना आज क़िलाम जी जी सर लेकिन... वो हमने पहले सुना दर्शने हाँ हाँ। आमदेरे सुना जी so, हाँ और भी मैंने सोचे हुए क़िलाम और भी सर हम आप बिच आखर में भी आप से ज़रूर सुनेंगे वो बिल्कुल तो so, लेकिन वही आपकी बात है जब जैसा आमद का माहौल है तो फिर आमद वाले क़िलाम पढ़ेंगे बिल्कुल कोई वो मेरा ज शबे मरा शब हाँ। है सर लेकिन माशा आपने क्योंकि इतने सारे कलाम पढ़े हैं और इतने खूबसूरत पढ़े हैं तो डेफिनेटली जब आप लोग जाते होंगे तो लोग फरमाशें बहुत ज्यादा करते होंगे हाँ हाँ फरमाइश आती है आज मयसर आ गया तो फल सुना देर भी आ जाती है पुराने कलामों की फरमाइें आ जाती हैं ठीक है जो जुबानी याद हो जो रिपीट किए हो ना जी वो याद होते हैं जो रिपीट ना हो वो याद नहीं होते

अच्छा सर क्योंकि ईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके मुनासफ से हम बात भी कर रहे हैं और आपसे कलाम भी सुन रहे हैं तो मुझे ये बताएं और देखने वालों को कि सर ईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सही तरीका क्या है हमें इसको किस तरह से मनाना चाहिए देखिए जी सबसे पहली बात तो ये है ना कि ईद मिलादी जो है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है बेशक आमद का दिन है जी तो जब हम और खुशियाँ मनाते हैं शादियों की या बच्चों की तो वो ठीक है वो भी खुशियाँ मनाई जाती हैं अल्लाह ताला तलाफर मता तो मनाई जाती हैं बेशक लेकिन उन सबसे ज़्यादा अफजल जो है खुश ईद मीलादाननबी की खुशी मनाना यह सबसे अफजल है बिल्कुल क्योंकि आपका मकाम भी सबसे अला है तो आपकी खुशी हाँ। मनाना भी अला है बेशक तो लेकिन सिर्फ खुशी मनाना और लाइटिंग करना या डेकोरेशन करना वो बहुत अच्छी बात है वो बड़ा मज़ेदार काम है लेकिन उसके साथ आपके अहकाम पर अमल करना भी बड़ा जरूरी है नमाजें पढ़ना भी ज़रूरी है सबसे बड़ा करना जो है वो भी ज़रूरी है बिल्कुल और इंसानों का हकूक अल्लाह तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं माफ़ कर दूँगा नहीं, नहीं। माफ़ भी रखने बेशक जबरदस्त अच्छा सर आप ये बताएं कि आपके जो ज़्यादातर नाते हैं उनके लिखारी कौन है कौन शायर है जिनका कलाम आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा हो अभी तक वही मैंने बताया था ना कि आदम चीची साहब रहमत मोहम्मद अली हफीज ताइब साहब अब्दुल लोगों के कलाम ज्यादा पड़े हैं क्योंकि उन्होंने आसान काम कर दिया हफीज साहब के कलामिल खुशबू है दो अच्छा। आलम में तेरी चीदा में भी थोड़ा सा बयाँ होते रहे हमीदा इस तरह थोड़ी सी उसमें बड़ा आला कलाम है उनके बड़े म्यारी कलाम है बड़े आसान भी उन्होंने लिखे हुए लेकिन अब्दुल ने साहब साहब धोनी बिल्कुल सारे सारे एहसान लिखे जो हर किसी के समझ में आ, आ जाए हाँ। मेरे जैसों <laughs> अच्छा सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का और व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये खास प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए लेकिन हम जाते जाते सरकार की आमद के हवाले से सर से कलाम सुनेंगे सर फल के नज़ारो जमी की बाहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं उठो सहारो चलो गम के मारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं फजाओं में जज्बात हैं मरहबा के हवाओं में नगमात सल्ले अला के दुरुदों के गजरे सलामों के तोहफे फे सजाओ हुजूर आ गए हैं समा है सनाए हबीबे खुदा का ये मिलाद है सर्वरे अम्बिया का समा है सनाए अभी खुदा का ये मिलाद है सर्व रे अम्बिया का नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ हुज़ूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं सुरूर आ गए हैं सुरूर आ गए हैं